इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और वी कैन कॉल इट प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्या प्रॉफिट है, क्या गेन है, वो हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। लास्ट जो चैप्टर हुआ वो हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ। आज हम लोग जो देखेंगे वो नया चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या है और प्रोफेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो दिया है, बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। तो बोलना क्या चाह रहा है ये, एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, मतलब ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, तो कुछ भी आप बेचो खरीदो वो भी बिजनेस माना जाता है। कॉमर्स, कॉमर्स थोड़ा वाइड टर्म होता है जिसके अंदर आपका डिलीवरी आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेड कर रहे हो, अभी आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो मतलब कोई माल आया, अब वो माल को कस्टमर के पास पहुँचाना है, तो कस्टमर के पास पहुँचाना है तो आप डिलीवरी करोगे ना, तो डिलीवरी करने के लिए अपने को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप ट्रेड के साथ डिलीवरी भी करते हो, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हो, तो ये सबको जब मिला के होता है ना, उसको कॉमर्स बोला जाता है। तो कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग के साथ जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कॉमर्स कहा जाता है। आया समझ में? तो ट्रेड का मतलब सिंपल बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स का मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग करने में जो अपनी एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको मिला के कॉमर्स कहा जाता है। समझा ये पार्ट? यस और नो? फिर आया मैन्युफैक्चर, तो ट्रेड समझा, बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स बोलेगा तो बाइंग एंड सेलिंग प्लस एडिशनल एक्टिविटी। मैन्युफैक्चर कोई चीज आप बना रहे हो, तो कोई चीज बना रहे हो, बना के उसको बेचोगे ही ना, तो वो बिजनेस में आ जाता है। आगे यही रिपीट किया गया है, तो मतलब बिजनेस का मतलब, और एनी एडवेंचर और कंसर्न, तो कोई चीज़ जोखिम उठाते हो कोई चीज़ को करने के लिए, तो वो सब भी बिजनेस में आ जाता है। तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि जस्ट अ मिनट, तो बिजनेस अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो ये याद रखना, यही बोलना है, एनी ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग, कॉमर्स मतलब जब आप ये बाय और सेल करते हो तो उससे रिलेटेड जो एडिशनल एक्टिविटी होती है, तो ट्रांसपोर्ट का एक्टिविटी, इंश्योरेंस का एक्टिविटी, बैंकिंग का एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी को मिला के कॉमर्स बनता है। और मैन्युफैक्चर तो आपको पता है, मैन्युफैक्चर मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बनाना, उसको बनाया तो बेचना पड़ेगा, तो उसको भी बिजनेस कहा जाता है। तो ये बिजनेस हो गया, तो ये तो बिजनेस तो समझ में आया हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है प्रोफेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन? कुछ भी कमेंट करो, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पता है प्रोफेशन मतलब? खूबी, खूबी बोलेगा तो मतलब थोड़ा और इलाबोरेट कर सकते हो? प्रोफेशन, नहीं ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अभी डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, बिजनेस करने बैठा है कि प्रोफेशन है? डॉक्टर जो है वो बिजनेस कर रहा है कि प्रोफेशन में? प्रोफेशन है। फिर आपको लॉयर होते, लॉयर पता है ना, वकील, वकील लोग बिजनेस कर रहे हैं कि प्रोफेशन कर रहे हैं? शॉर्ट में भी लिखोगे चलेगा, प्रोफेशन कर रहे हैं, बराबर है।
तो डिफरेंस क्या है? अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर के आजू बाजू में वो राशन की दुकान है, उन लोग माल बेचते खरीदते, तो उन लोग बिजनेस कर रहे कि प्रोफेशन कर रहे? चावल आया, चावल खरीदा, बेचा, बिजनेस कर रहे। तो कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर चीज बिजनेस और प्रोफेशन है? तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो पता चलेगा ना ये बिजनेस है प्रोफेशन है। तो इन शॉर्ट याद रखने का, बिजनेस के लिए कोई भी लर्निंग की जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। अब पता है ना, लॉकडाउन हुआ था, हर कोई भी चीज बेच रहा था, तो उसके लिए ऐसा थोड़ी था हाँ जाओ डिप्लोमा करके आओ तभी आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं। लेकिन प्रोफेशन के लिए कुछ लर्निंग की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर बनना है तो MBBS कर लो, CA बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता है वो करना ही पड़ता है, लॉयर बनना है तो आपको LLB करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि कुछ लर्निंग चाहिए आपको, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ डिग्री टाइप को स्किलनेस चाहिए आपको, तब जाके वो प्रोफेशन माना जाता है। आया समझ में? तो डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब क्या आ गए? ये प्रोफेशन है। और बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए एक लर्निंग की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। अभी आया समझ में प्रोफेशन का मतलब? समझा ना? अब देखो इसमें आगे एक वर्ड ऐड किया है, वोकेशन, इंक्लूडिंग वोकेशन। वोकेशन क्या होता है, कभी सुना है? वोकेशन मतलब सुना है कभी? हाँ या ना? वोकेशन सुना है कभी? नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर है, डॉक्टर तो प्रोफेशन है कि नहीं है? डॉक्टर प्रोफेशन है। डॉक्टर अगर नहीं आएगा तो उसका काम और कोई कर सकता है? उसकी वाइफ कर सकती है? नहीं, वो ही करेगा क्योंकि उसके पास डिग्री है, उसके पास स्किल है। तो प्रोफेशन में ये बोल सकते कि जिसके नाम पे वो बिजनेस है, जो वो कर रहा है प्रोफेशन, जिसके पास वो डिग्री है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो प्रोफेशन का मतलब वो होता है। अब वोकेशन में क्या होता है, बार्बर का नाम सुना है जो बाल काटता है, टेलर का नाम सुना है जो कपड़े काट के सिलता है। तो बार्बर अगर बाल काटता है तो वो जैसे बाल काटता है ना, दूसरा नहीं काट पाएगा, काट लेगा, लेकिन अभी मेरे को आप बोलेंगे सर बाल काटे तो मैं उस हिसाब से नहीं काट पाऊंगा जिस तरीके से वो वाला काटेगा। तो उसका भी लर्निंग है, उसका भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उसको कोई मतलब पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सीख सीख के सीख जाता है इंसान। तो इट इज लाइक ए प्रोफेशन, लेकिन वोकेशन इसलिए कहा जाता है, प्रोफेशन में क्या है, कुछ पढ़ना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, वोकेशन में भी लेना पड़ता है, लेकिन देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई आपको वो डिप्लोमा ही करना है या वो TY करना है या ग्रेजुएट बनना है तभी कर सकते हो वोकेशन। तो याद रखना, वोकेशन लाइक ए प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर लॉयर, तो इसमें एग्जाम्पल होगा वोकेशन का टेलर, फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल होगा बार्बर का शॉप, ये सब वोकेशन में आते हैं। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड वोकेशन का मतलब ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। समझ में आया? एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, वोकेशन। ठीक है, अब आते हैं इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या है। अब यहाँ का जो चैप्टर का नाम है वो है बिजनेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स और गेन्स बोला है। तो ये प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे, तो प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट कैन बी कैश इन काइंड। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने 100 रुपये का माल खरीदा, तो सामने वाले 100 रुपया नहीं दिया, आपको 100 रुपये का कोई चीज दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट, वो भी काउंट होगा और उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये याद रखना है अपने को। तो प्रॉफिट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, मतलब काइंड मतलब बार्टर एक्सचेंज जैसे रहता है ना, वस्तु में भी हो सकता है, सर जरूरी नहीं है कि कैश में ही हो। दूसरा, प्रॉफिट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू रिसीव्ड, इग्नोर कैपिटल रिसीव्ड। याद रखना, प्रॉफिट जो होता है उसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू रिसीव, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का समझो क्लास है, हम लोग ने क्लास में
स्टूडेंट को पढ़ाया, वो स्टूडेंट ने हम लोग को फीस दिया, तो रेगुलर बेसिस पे मिलता पूरे साल में, एक महीने में, दो महीने में हम लोग को फीस मिला, दैट इज़ आर रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अभी समझो हम लोग का एसी खराब हो गया था क्लासेस का, वो एसी को हम लोग ने उठाया और बाहर बेच दिया, वो बेचने पे हम लोग को 3,000 रुपये मिला, 3,000 नहीं 13,000 रुपये मिला। अब वो 13,000 रुपया भी हम लोग को लाइक ए प्रॉफिट ही है ना, क्योंकि उसको यूज़ करके, उसका डेप्रिसिएशन करके भी बहुत टाइम हो गया था और उसका वैल्यू जीरो था, लेकिन हम लोग को तो भी 13,000 रुपया मिला। तो 13,000 रुपया इज़ नॉट माई प्रॉफिट, क्योंकि वो रेगुलर थोड़ी करूँगा, वो तो 15 साल, 20 साल, 25 साल में एक बार हुआ। तो जो बार बार एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है वही इंक्लूड करेंगे, जो वन टाइम रहती है, जो कभी लाइफ में एक ही बार होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। आया समझ में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब? तो जो रेगुलर बेसिस पे आप जो फीस में कलेक्ट कर रहा हूँ क्लासेस में, दैट इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट, वो प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। लेकिन वहाँ की बेंच बेच के जो प्रॉफिट मिला, वहाँ की एसी बेच के जो किया, तो वो मेरा बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, वो वाले को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। आ रहा है समझ में? समझा कि नहीं समझा? यस यस सर नो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वॉलेंट्री रिसिप्ट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वॉलेंट्री रिसिप्ट, वॉलेंट्री मतलब कोई अपने मन से कुछ कंट्रीब्यूट कर देता है, बोलता है ये रख लो आप, वॉलेंट्री मतलब खुद से, कोई फोर्स नहीं करता है, तो वो भी अगर आपको मिला बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो वो भी आपका प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। इन शॉर्ट, बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ भी मिले तो समझ जाओ कि वो आपका प्रॉफिट में ही काउंट होगा, लेकिन वो रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होना चाहिए। फिर देखो, प्रॉफिट्स ऑफ इलीगल बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी आप बोलेंगे सर मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ जो लीगल है, जैसे रेती सीमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, तो दैट इज लीगल, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ वो टैक्सेबल होगा। लेकिन आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो, उससे जो भी प्रॉफिट होगा, तो गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि अगर इलीगल बिजनेस किया तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। इलीगल बिजनेस पहले तो अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड भी है तो अगर वो पता चला तो उसके ऊपर भी जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो याद रखना, प्रॉफिट्स ऑफ इलीगल बिजनेस इज ऑल्सो टैक्सेबल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस। अब मेरे पास तीन चार बिजनेस है, मेरा क्लास भी है, मेरा दूध का दुकान भी है, मेरा पान का पट्टी भी है, वैसे बहुत सारे बिजनेस है। तो हर बिजनेस का मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा, और हर बिजनेस का मैं टैक्स अलग से नहीं भरूंगा, सब प्रॉफिट को इंक्लूड करूंगा, टोटल करूंगा और फिर टैक्स भरूंगा। तो याद रखना, अगर आपके पास डिफरेंट बिजनेस है तो उसको सेपरेटली कंप्यूट तो करेंगे, लेकिन टैक्स जो भरेंगे वो कंबाइंड प्रॉफिट पे होगा, सेपरेट प्रॉफिट पे नहीं। समझा ये पार्ट? यस सर नो, तो ये पार्ट हो गया, बिजनेस का मतलब क्या है, प्रोफेशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है। और दो तीन पॉइंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। पहला है, अब जैसे अभी हम लोग को टैक्स भरना है, तो इनकम को कैसे टोटल करेंगे, कंप्यूट कैसे करेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड नोटिफाई किया है कि भाई इन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी इनकम को कंप्यूट करो और डिस्क्लोज करो। और ये कब से एप्लीकेबल है? AY 2017-18, याद रखो, AY 2017-18 से ही ये वाला एप्लीकेबल हुआ है कि आपको इनकम कैसे कंप्यूट करना है और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, उसके स्टैंडर्ड। तो ऐसे कितने स्टैंडर्ड हैं, कितने स्टैंडर्ड हैं, 10 स्टैंडर्ड है, याद रखना। तो और किसने दिए है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करोगे ना, तो दो हेड होता है, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और ये टोटल अपने कितनी है, 10 इनकम स्टैंडर्ड है, इनकम कंप्यूटिंग और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, और जो कि 17-18 से एप्लीकेबल हुआ है।
ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है हम लोग को, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर लास्ट पॉइंट देखो, इफ देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, क्योंकि हम लोग को पता है कि टैक्स जो निकालना है वो इनकम टैक्स के हिसाब से निकालना है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इनकम कंप्यूटिंग और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड भी डाल दिया है। अब जब ये डाल दिया है तो हम लोग का जो पहले से प्रोविजन है इनकम टैक्स का, इन दोनों में झगड़ा होता होगा, नहीं भाई हमारे हिसाब से चल, नहीं भाई हमारे हिसाब से। तो अगर इनकम डिस्क्लोजर कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स में अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर इनकम कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो याद रखना प्रोविजन ऑफ एक्ट वुड प्रिवेल। तो दोनों में जिसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम लोग इनकम इनकम टैक्स एक्ट ही फॉलो करेंगे, ISICDS नहीं करेंगे। तो मतलब ये बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि भाई आपको 10 ये फॉलो करना है स्टैंडर्ड इनकम कंप्यूट करने के लिए, लेकिन इनकम टैक्स भी फॉलो करना है, इनकम टैक्स भी फॉलो करना है। जब दोनों साथ में फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, जब दोनों साथ में प्रॉब्लम आएगा तो याद रखना हम लोग को फिर इनकम टैक्स ही फॉलो करना है अगर प्रॉब्लम आया तो। समझ में आया? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था। समझ में आया इतना?